ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। दूजे पास इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नौजवान जिन्हों वालों 28 मार्च को शिवसेना के लोगों खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया सी, इन नौजवानों और उनके परिवारक मैंबरों का कहना है कि उन्होंने उन्होंने किसी तरह का भी कोई भी सियासी दबाव नहीं है, उन्होंने अपनी मर्जी नाल राजीनामा किया। दोस्तों जी आप गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने गए थे, किसी ने हमें पैसा नहीं दिया, किसी ने दबाव नहीं पाया, अपनी पढ़ाई का राजीनामा कर लिया। साडा करैक्टर खराब हो रहा है, एक करैक्टर खराब करने वाली राजीनामा कर लिया, सू किसी ने दबा नहीं पाया। असं इदा चाह रहे हैं किसी के भी खिलाफ नहीं कोई कार्रवाई की, असं एवं धोखे जी भी आगे गवाही उन्होंने फिर आप अपने ही कोई गवाही नहीं दी, तो असं इस करके कार्रवाई नहीं करना चाहते, उन्होंने ना उन्होंने की पछाण आ, तो असं अपनी रजामंदी ने राजीनामा किया। काली परचा दर्ज हो गया, तो 10 मुंडे बंदे जोड़े ने वो साडे बीजेपी शिवसेना संबंधित से, वो मंग की जा रही थी कि उन्होंने अरैसट किया जाए। तो मैं महसूस किया इन्होंने पेरेंट्स ना आए ने, सरपंच आए ने, सबका सरपंच आए ने कि आप राजीनामा कराइए, जो सियासी पार्टियां इसका लाभ लेना चाहती ने, हिंदू सिख एकता नुकसान पाना चाहते ने, वंडियां पाने चाहते ने, इनू मुख रख के आप राजीनामा कराता। ये परचा कैंसल करने वास्ते एस एस पी साहब इन मुंडिया ने अपने परिवार का सलाह कर सीनियर कांग्रेसी आगू सुनील कुमार जाखड़ ने श्रोमणी अकाली दल बीजेपी सरकार से दोष लगाते कहा है कि नगर निगम चोणों में कांग्रेसी उम्मीदवारों डरा धमका के नामजदगियां वापस लेने लिए जोर पाया जा रहा है। उन्होंने अकालिया वालों कांग्रेसियों के इस तशद्दत लोगों नाल किए जा रहे धक्के लोकतंत्र का कतल दसिया। उन्होंने पत्रकारों संबोधन करदिया कहा कि कांग्रेस इन दोगलिया नीतियां लोगों के सामने लेके आवेगी। विरोधी धिर सीनियर कांग्रेसी आगू सुनील कुमार जाखड़ ने अकाली दल बीजेपी सरकार से दोष लगाउंदिया कहा है कि अकाली दल अपने डंडा राज नाल नगर निगम चोणां चो कांग्रेसियां उत्ते तशद्दुद कर रही है। उन्होंने अकालिया के इस रवैये नूं लोकतंत्र का कतल करार दिता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम चोणां चो कांग्रेस उम्मीदवारों नूं डरा धमका के उन्हां दीआं नामजदगियां रद्द करवाईआं जा रही ने। मीटिंग नूं संबोधन करदिआं सुनील कुमार जाखड़ ने कहा कि उन्हां दी पार्टी वर्करां नाल इस मीटिंग च अकाली दल दीआं दोगलीआं नीतियां नूं सामने लिआउण दा फैसला कीता गया है। कारपोरेशन दे इलैक्शनां दे विच कांग्रेस दे वर्कर ते कांग्रेस दे उम्मीदवारां दे उत्ते जिस तरह तशद्दत करके उन्हां दे नॉमिनेशन विड्रॉ या उन्हां दे नाल ज्यादतियां कीतीआं जा रही हैं, मैं समझदा वी सिर्फ कांग्रेस दे वर्कर दे उत्ते धक्का नहीं बल्कि साडे लोकतंत्र के उत्ते एक हमला है, लोकतंत्र की हत्या करने उत्ते वजिद है अकाली बीजेपी सरकार। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट वालों सरकारी जमीना दे गबन बारे जानकारी दे फैसले ते उन्हां कहा कि जदों बाड़ ही खेत नूं खाण तुर पवे तो हालात ठीक नहीं दिखते, इसलिए जुडिशरी नूं दखल देना पैंदा है। मेरी राय है कि जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए, जिन लोगों को ने सरकार की या जनता की प्रॉपर्टी का गार्डियन बना के कस्टोडियन बना के जिस सरकार को चुनकर भेजा है, उसके मुखिया खुद मुख्यमंत्री और खुद बीजेपी अगर स्टेट के इस किस्म से गबन करने लग जाए, इस किस्म से सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा करने लग जाए, इन हालातों में जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर दखल करना पड़ता है। पेट्रोल दी कीमतों च वाधे बारे सुनील कुमार जाखड़ ने कहा है कि पेट्रोल दी कीमतों नूं घट करवाउण लई ओ कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी नूं बेनती करनगे। इसे दौरान उन्होंने कहा कि वह बादल सरकार उत्ते भी जोर पाउणगे कि बैट नूं घटा के लोगों नूं राहत दिती जावे। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के प्रेजिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी नूं मिलके आ जिहड़ा पेट्रोल दी प्राइसिस दे विच वाधा होया है उस नूं घट करवाउण वास्ते असीं जाके सीएलपी दे मैंबर साहिबान रिक्वेस्ट करांगे, ते नाल नाल असी बादल साहब ते इन्हां दी सरकार दे उत्ते भी इस गल दा जोर पावांगे भी आ जिहड़ा इन्हां दा ज्यादा वैट ला रहे है इहनू हरियाणा दी तर्ज दे उत्ते घट के 20.5% ते लै के जावे ताकि पंजाब दे लोकां नूं उस दा फायदा मिले। कणक दे बोनस ते बोलदिआं उन्हां कहा कि उन्हां केंद्र सरकार नूं किसानां नूं 100 रुपए कणक ते बोनस देण लई कहा है अते बादल सरकार भी अपने वल्लों 100 रुपए दा बोनस देवे तां जो किसानां नूं 200 रुपए दा ज्यादा फायदा मिल सके।
बिल्कुल ऐसे कहा से भी पंजाब सरकार किसान को 100 रुपये कणक के उत्ते बोनस देवे, राजस्थान सरकार जिहड़ी कांग्रेस के मिस्टर गहलोत है उन्होंने 100 रुपया कणक के उत्ते बोनस दिता है, 100 रुपया बादल साहब की सरकार बोनस देवे, 100 रुपया असी जाके सरदार मनमोहन सिंह जी ने रिक्वेस्ट करांगे भी केंद्र सरकार भी मैचिंग वो बराबर बोनस देवे ताकि पंजाब के किसान 200 रुपया SMSP तो फालतू मिल सके। जो सुनील कुमार जाखड़ ने यह पूछा गया कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह और सीनियर कांग्रेसी आगू राजेंद्र कौर पटल मीटिंग च शामिल नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि वह पहले ही किसी प्रोग्राम विच व्यस्त होने कारण मीटिंग अटेंड नहीं कर सके। विरोधी धिर के आगू सुनील कुमार जाखड़ ने कहा है कि सारे विधायकों ने नगर निगम चोणों लई ड्यूटी लगा दी है और वह अपना चोन मैनीफेस्टो भी एक दो दिन च ऐलान कर देंगे। बिल्कुल गलबात की है मैंबर साहबान कई डायरैक्ट गल हुई है, उन्होंने भी अपनी मजबूरी जाहिर की है, साडे जिहड़े उत्थे MLA साहबान या साडे जिहड़े उम्मीदवार सी उन्हां दे नाल उन्हां दा बराबर रास्ता बनया ते उन्हां लोकां ने अपनी यह मजबूरी जाहिर की है, वैसी पुलिस की तशद्दत नहीं बर्दाश्त कर सकते, इस करके असी इस इलेक्शन चो विड्रॉ कर रहे। अज CLP ने अपने MLA साहबान की ड्यूटी लाई है ताकि वह जाके चारों कारपोरेशन के अंदर जाके अपना योगदान पाण, उत्थे जाके जिहड़े इंचार्ज है उन्हां नाल मिलके काम करन। साडा मैनीफेस्टो असी एक दो दिनों के डिक्लेयर करांगा, मेन साडा मैनीफेस्टो जिहड़ा कारपोरेशन इलेक्शन के विच है करप्शन फ्री ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पोंसिव गवर्नेंस। कांग्रेसियों दी इन्हां मीटिंगां दा नगर निगम चोणां च की मुल पैंदा है यह तो आने वाला समा ही दसेगा। चंडीगढ़ तो कैमरामैन पंकज शर्मा के नाल किरणदीप अते हरजिंदर कौर मांगट DNN।